माता रानी आपके और आपके भाई बहन के रिश्ते में हमेशा मिठास बनी रहे। कमेंट सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। तो दोस्तों आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। भाई दूज की थाली में जरूर शामिल करें ये चीजें, मिलेगा विशेष फल। भाई दूज की पूजा थाली में कुछ चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। अगर आप पहले से ही इन चीजों को खरीद लेंगे तो मौके पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। भाई दूज का दिन बहन और भाई के लिए बहुत खास होता है। इस त्योहार के दिन भाई और बहन अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। भाई दूज की पूजा थाली में कुछ चीजों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में त्योहार आने से पहले आपको क्या क्या खरीदना है इस वीडियो में जान लें। इस साल भाई दूज का त्योहार 14 नवंबर शाम को शुरू होगा। 15 नवंबर को भी आप भाई तिलक लगा सकते हैं। दोनों ही दिन बहुत खास है। हालांकि आप सुबह के समय भाई को तिलक करना ज्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं भाई दूज पर पूजा सामग्री लिस्ट में क्या क्या रखना शामिल करना शुभ माना जाता है और पूजा तभी पूरी तरह सफल मानी जाती है। भाई दूज पर पूजा सामग्री लिस्ट। भाई दूज के दिन पूजा सामग्री में कुछ चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें आरती की थाली, टीका, चावल, नारियल, सूखा नारियल, मिठाई, कलावा, दिया, धूप और रुमाल जरूर रखें। रोली या हल्दी पाउडर। भाई दूज पर बहनें सबसे पहले भाइयों को तिलक लगाती है। ऐसे में तिलक लगाने के लिए रोली का होना बहुत जरूरी है। रोली के स्थान पर हल्दी पाउडर से भी तिलक लगाया जा सकता है। भाई दूज के दिन पूजा थाली में रोली जरूर रखें। अक्षत तिलक के बाद माथे पर चावल भी लगाया जाता है, इसको अक्षत भी कहते हैं। ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भाई दूज के दिन पूजा की थाली में चावल जरूर रखें। आरती के लिए दीपक। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों की आरती भी उतराती है। आरती उतारने के लिए पूजा की थाली में दीपक का होना जरूरी है, इसलिए इसके बिना भाई दूज अधूरा माना जाता है। मिठाई। भाई दूज के पावन पर्व में बहनें भाई को मिठाई खिलाती है, इसलिए पूजा की थाली में मिठाई का होना जरूरी होता है। इसके साथ साथ आपको पूजा थाली के लिए एक कपड़ा भी लेना है। इस कपड़े को थाली पर बिछाकर ही सारा सामान रखकर पूजा करें। दोस्तों ऐसा बहुत देखा गया है कि नारियल का गोला भी दिया जाता है भाई को। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल क्यों होता है। भाई दूज पर बहनें भाई को गोला इसलिए देती हैं क्योंकि यम को भी उनकी बहन ने गोला दिया था। यमुना का कहना था कि गोला उनके भाई को हमेशा अपनी बहन को याद दिलाएगा। यही कारण है कि हर साल बहनें अपने भाई को गोला देकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई दूज पर यमुना में स्नान क्यों किया जाता है। भाई दूज पर यमुना की पूजा और स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों के जीवन की परेशानियों दूर होती है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में हर शुभ काम या पूजा पाठ करते समय कुछ ना कुछ मंत्र को बोला जाता है, तो इस भाई दूज के भी त्योहार में ये मंत्र जरूर बोले। भाई दूज पर भाई पर तिलक करते समय पढ़े ये मंत्र। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को। गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े, ऐसा एक बार जरूर बोले बहुत शुभ होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।